हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का पार्ट नंबर 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों आपको 8 भागों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन के आधार पर। तो यदि आपने श्रृंखला को ना देखा हो, यदि आपने दोस्तों 8 पार्टों को ना देखा हो, तो उनको भी आप जरूर देख लें ताकि आपके पिछले वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएं। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 9 की दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रश्नावली 13.3 के जो बचे क्वेश्चन थे उसका भाग नंबर 2, क्योंकि इससे पहले दोस्तों एक भाग कराया जा चुका है जहाँ पर आपने 5 क्वेश्चनों को देखा, और जो बचे क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर आज मिलेंगे। तो आराम से आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं, कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 6ठा क्वेश्चन क्या है आज आपको यहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक गुंबज है और उसका आकार कैसा है दोस्तों, शंकु के आकार का है। थोड़ा सा आपको शंकु के बारे में दोबारा से बता देते हैं। शंकु दोस्तों इस प्रकार से होता है, जोकर की टोपी की तरह या फिर आप कहें दोस्तों आइसक्रीम की तरह होता है। यहाँ पर आधार जो है ये दोस्तों आपका सर्कुलर होता है, इसको आप त्रिज्या मानते हैं आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको दोस्तों आप व्यास बोलते हैं, यानी कि व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का दोगुना होता है। और यहाँ पर देखिए, जो ये कहलाती है दोस्तों ऊंचाई है बीच की, इसको आप हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं शंकु की, इसको आप एच के द्वारा दिखाते हैं। और जो किनारों से लंबाइयाँ हैं दोस्तों इनको आप तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या फिर आप कहें सलेंट हाइट, और इनको दोस्तों आप एल के द्वारा दिखाते हैं। और एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। और यहाँ से यदि आपको वक्र पृष्ठ निकालना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि यदि आपको दोस्तों खोखले वाले शंकु को निकालना होगा, उसका एरिया निकालना होगा, तो वहाँ पर आप वक्र पृष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है पाई आर एल। और वैसे यदि आप निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आता है पाई आर एल प्लस आर। तो आप तीनों फॉर्मूलों को दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन किसके आधार पर होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको चूंकि देखिए पूछा गया है आपको सफेदी करनी है, तो सफेदी आप बाहर से करेंगे, तो गुंबद जो होता है दोस्तों अंदर से खोखला होता है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया दोस्तों, पहले आपको जो दिया है उनको आप लिखेंगे। आपको दिया है व्यास, व्यास बराबर आपको दिया है 14 मीटर, तो यहाँ से आपका त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 कर देंगे, यानी कि 7 मीटर। और यहाँ पर आपको दिया है जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि दोस्तों जो आपकी एल है वो दी है आपको 25 मीटर। तो यहाँ से आप पहले क्या निकालेंगे, पहले आप निकाल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आप निकालेंगे दोस्तों कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया को निकाल लेंगे, जो कि आपका होता है पाई आर एल। यहाँ पर आप पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान रखेंगे 7, और एल का मान रखेंगे 25। तो काटने पर आपको देखिए गुणा करने पे क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 550 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको देखिए क्या दिया है, आपको दिया है ₹210 लगते हैं दोस्तों 100 वर्ग मीटर में। तो एक वर्ग मीटर में कितने रुपये लगेंगे, 210/100 कर देंगे आप, तो इतने रुपए दोस्तों आपके एक वर्ग मीटर में लगेंगे। तो आपको निकालना है 550 वर्ग मीटर में कितने रुपए लगेंगे, तो 550 वर्ग मीटर में दोस्तों जो व्यय होगा वो क्या हो जाएगा, 550 गुणा 210/100 कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपको गुणा करने पे दोस्तों आराम से मिलेगा ₹1,155। तो इतना दोस्तों सफेदी कराने का व्यय आपका आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ₹1,155। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार की 10 टोपियों को बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक जोकर की टोपी आपको दी है जो कि शंकु के आकार की है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, त्रिज्या आपको दी है आर बराबर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है, आर बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और आपको ऊंचाई एच बराबर दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर 24 सेंटीमीटर है, आर आपका 7 है,
तो आपको बताना है ऐसी 10 टोपियों को बनाने में गत्ते की आवश्यकता क्या होगी। तो पहला काम दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा एल को, यानी कि तिर्यक ऊंचाई को आप निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहां से आपको मिलेगा 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, 49 और प्लस 24 का वर्ग होता है 576। बराबर जोड़ने पर दोस्तों आपको मिलेगा 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो एल बराबर आता है दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लेंगे एक टोपी में लगने वाला जो गत्ता होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आप निकालेंगे, पाई आर एल होता है, तो पाई के स्थान पर आप रखेंगे 22/7, आर के स्थान पर आप रखेंगे 7, एल के स्थान पर आप रखेंगे 25 रखेंगे। तो यहाँ पर आप 7 से 7 को काट देंगे दोस्तों, तो आपको मिलता है 22 × 25 जो कि 550 देगा आपको। इतना दोस्तों आपका वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब चूंकि दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 10 टोपियों को बनाना है। आपने देखा एक टोपी का दोस्तों लगने वाला गत्ता 550 है, तो 10 टोपियों के लिए, 10 टोपियों के लिए आवश्यक जो गत्ता होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आप गुणा कर देंगे 10 × 550। तो आप गुणा कर देंगे दोस्तों 10 × 550 कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा 5500 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। इतना दोस्तों गत्ता यहां पर ऐसी 10 टोपियों को बनाने में लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग कर दिया जाता है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर हो, तो इनको पेंट कराने का व्यय क्या होगा आपको बताना है। और यहां पर आपको देखिए खासतौर पर दिया पाई का मान आपको 3.14 रखना है, और यहां पर आपको √1.04 का मान दोस्तों 1.02 रखना है। तो यहां पर देखिए पहले क्या काम करेंगे दोस्तों आप, चूंकि आपके पास में 50 शंकु हैं जो कि दोस्तों एक प्रकार से जो सड़क होती है उसको बस स्टॉप से अलग करने के लिए बीच में रखा गया है। तो पहले दोस्तों आप एक शंकु को निकाल लेंगे, उसी के आधार पर आप 50 का गुणा कर देंगे तो आपको 50 का मिल जाएगा। तो पहले दोस्तों यहां पर आप एक शंकु को देखेंगे, त्रिज्या आर है, तिर्यक ऊंचाई एल है और ऊंचाई एच है। तो यहां से देखिए पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है दोस्तों व्यास, व्यास बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या चूंकि व्यास का आधा होती है तो 40/2 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। और यहां पर आप देखते हैं दोस्तों जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई बराबर आपको दिया है 1 मीटर। अब यहां पर देखिए दोस्तों ऊंचाई आपका मीटर में है और त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दी है, जबकि यहां पर भी दोस्तों आपको वर्ग मीटर में दिया है। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, 20 सेंटीमीटर को दोस्तों आप मीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, बराबर कर देंगे 20/100, क्योंकि आप 100 से भाग दे देंगे, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों भाग देने पर 1/5 बराबर 0.2 मीटर मिलेगा। तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी त्रिज्या आर। अब यहां पर देखिए दोस्तों आपको निकालना है, पहले एल को निकालना है, आपके पास में ऊंचाई एच है, आर है, तो पहला काम निकालेंगे दोस्तों आप तिर्यक ऊंचाई एल का मान। एल बराबर होता है आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप रखेंगे दोस्तों मानों को, आर का स्क्वायर हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर और धन एच का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 का स्क्वायर। तो बराबर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, यहां पर देखिए दोस्तों आपका 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04 होता है, गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1, तो जोड़ने पर दोस्तों आपको मिलेगा √1.04। और यहां पर देखिए दोस्तों आपको दिया है 1.04 वर्गमूल के अंदर होगा, तो उसका मान आपको क्या लेना है, आपको लेना है बराबर 1.02। तो यहां पर दोस्तों आपको जो तिर्यक ऊंचाई मिलती है, यानी कि आपको जो स्लेंट हाइट मिलती है एल बराबर, वो मिलती है आपको 1.02। इतने कहां में आ जाएगी दोस्तों, मीटर में आ जाएगी। अब आपको निकालना है दोस्तों, पहले आप निकालेंगे एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसको दोस्तों आप 50 से गुणा करेंगे तो आपको 50 का मिल जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आप कर देंगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं एक शंकु का होता है पाई आर एल
और 50 का निकालना है तो गुणा 50 दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पे, गुणा 50 कर देंगे तो ये 50 को देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप मानों को रखेंगे, पाई का मान आपको यहाँ पर याद रखना है, पाई का मान आपको 3.14 रखना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 3.14 गुणा आर का मान आपने निकाला है 0.2 गुणा एल का मान आपने निकाला दोस्तों 1.02। तो इनको आप गुणा कर देंगे और गुणा 50 भी है इनको दोस्तों। आप जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा देखिए, ये दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है 32.028 वर्ग मीटर। तो आप देखते हैं दोस्तों जो 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 32.028 वर्ग मीटर मिलता है। अब चूंकि आपको व्यय बताना है, एक वर्ग मीटर में दोस्तों 12 रुपये का खर्चा आता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे थोड़ा सा जगह का अभाव है। आप देखते हैं एक वर्ग मीटर में दोस्तों 12 रुपये लगते हैं, तो 32.028 वर्ग मीटर में जो व्यय होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यय बराबर आप गुणा कर देंगे 32.028 गुणा 12 है, तो गुणा करने पर दोस्तों आपको क्या देगा 384.336 रुपये। तो इतने रुपये दोस्तों आपका व्यय आ जाएगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे 384.336 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु के आकार का है जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे में औसतन कितने दाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है, जो भुट्टा होता है दोस्तों आपने देखा होगा, मक्का को देखा होगा, वो दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पर शंकु के आकार की होती है। तो यहाँ पर आप मान लेंगे ये दोस्तों शंकु के आकार की ही होती है, यहाँ पर आप शंकु के आकार को मान लेंगे जो भुट्टे का आकार होता है। तो यहाँ पर देखिए आर हो जाएगी, ये एच ऊंचाई हो जाएगी और ये दोस्तों तिर्यक ऊंचाई एल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको दिया है जो ऊंचाई है एच बराबर 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आर बराबर दोस्तों आपको दिया है 2.1 सेंटीमीटर है। तो पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, आप तिर्यक ऊंचाई को निकाल लेंगे, ऊंचाई बराबर होता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.1 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको, ये आपको देगा 4.41 और धन 20 का वर्ग होता है 400, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आप तो क्या मिलेगा आपको 404.41। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपको मिलता है दोस्तों 20.11। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एल बराबर दोस्तों 20.11 सेंटीमीटर दोस्तों आपको तिर्यक ऊंचाई मिलती है, यानी कि आपको स्लेंट हाइट मिलती है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, चूंकि आपको दाने बताने हैं तो पहले आपको वक्र पृष्ठ को निकालना पड़ेगा, यानी कि जो मक्का का बाहर का पृष्ठ है उसको आपको निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि शंकु के आकार का है तो पाई आर एल हो जाएगा। तो पाई का मान आपको यहां पर कुछ दिया नहीं है तो आप 22/7 रखेंगे और गुणा कर देंगे आप आर, आर का मान दोस्तों आपको दिया 2.1 और गुणा एल का मान है 20.11। तो इनको आप गुणा करेंगे दोस्तों तो गुणा करने पर क्या मिलेगा देखिए, आपको गुणा करने पर आपको मिलेगा 22 गुणा 0.3 गुणा 20.11। इनको दोस्तों आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 132.73 और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कुल आपका क्षेत्रफल जो है 132.73 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप कह देंगे एक वर्ग सेंटीमीटर में दाने बराबर क्या है दोस्तों, 4 हैं। तो आप कह देंगे 132.73 वर्ग सेंटीमीटर में दानों की संख्या, तो दानों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इतने में आप क्या कर देंगे, आप यहां पर 132.73 गुणा कर देंगे दोस्तों आप 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 530.92 दाने, यानी कि लगभग दोस्तों आप यहां पर कह देंगे अप्रोक्सीमेटली आप कह देंगे 531 दाने दोस्तों हो जाएंगे। ये आपका अप्रोक्सीमेट में आएगा क्योंकि आपका दशमलव में दोस्तों कोई दाना हो नहीं सकता, तो इसीलिए आप आंसर के तौर पे 531 दाने लिख देंगे, यानी कि इतने दाने दोस्तों भुट्टे पर होंगे। तो ये थे दोस्तों शंकु के आधार पर क्वेश्चन। आपने देखा 2-3 एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप सारे क्वेश्चनों को आराम से कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बात करेंगे आयतन वाले क्वेश्चनों की दोस्तों श्रृंखला में लगातार, तो आराम से आप हमारे साथ बने रहेगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।